हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने कुछ सोचा है बीच में कि मैं डेली एक एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी अपनी। ये नहीं कि कुछ ज़रूरी उसमें से कुछ कंटेंट ही निकले, कुछ कंटेंट शूट करूं या मैं व्लॉग्स बनाऊं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, बट मैंने ये सोचा है कि मैं डेली एक एक वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोलूंगी एंड जिससे मुझे बोलना आ जाए, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है वो भी कैमरे के सामने। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कैमरे के सामने रोज़ बैठूँ और रोज़ एक एक वीडियो शूट करूँ, रोज़ बात करूँ, मुझे जो भी मन में आता है, जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं वो सारा कैमरे के सामने रखूँ, जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े। तो मैं एक बार ही अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट टाइप करना चाह रही हूँ। मतलब कि मैंने बहुत सुना है कि प्रैक्टिस करोगे अगर तुम वीडियो बनाने की, या मतलब तुम अगर बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी जो बोलने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं वही चाहती हूँ कि मुझे अभी बोलना नहीं आता है, मैं बीच में जब भी मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड भी करती हूँ तो उसके बीच में भी मुझे इतने सारे कट्स हो जाते हैं, कि सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि मुझे दोबारा तिबारा वो वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, जो मुझे कहना है वो मैं बात अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं ये एक बार ये भी आजमा के देखना चाहती हूँ। तो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं डेली एक एक वीडियो बनाऊंगी और जो भी मेरे मन में होगा या जो भी रिलेटेड चल रहा होगा मेरे मन में आसपास, वो मैं सारा कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगी। और कहीं ना कहीं मेरी जो ये जो प्रोसेस है बोलना सीखने की, और अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उन्हें मैं कैसे सामने प्रेजेंट करूं, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं अब से रोज़ वीडियो बनाऊंगी। और मतलब वीडियो में और कुछ नहीं होगा, बस मैं सामने बैठूंगी और बात करूंगी, और इसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट मैं रखती हूँ अपने लिए, अभी फ़िलहाल जब शुरुआत के दिनों के लिए मैं अपनी टाइम लिमिट रखूँगी 2 मिनट के लिए। और अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं इसे बिना एडिट करे डाल दूँगी ताकि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले। मतलब अगर मैंने इसे एडिट किया तो मैं बीच में काट लूँगी कि जहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ किया या जहाँ पर मैंने कुछ गलत बोला, तो वो तो मैं अच्छे से एडिट कर लूँगी, उसके बाद मैं वीडियो डाल दूँगी, लेकिन उससे मेरा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं अभी इस वाली वीडियो को भी बिना एडिट करके डालने वाली हूँ। तो इसके आगे आगे भी जो मेरी डेली ऐसे क्या कहते हैं, ये वाली जो सेम मैंने अभी बताया कि मैं डेली वीडियो डालने वाली हूँ सिर्फ बात करने की, कि मैं क्या सोच रही हूँ, आजकल क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मतलब नॉर्मल ऐसी एक स्मॉल टॉक टाइप ऐसे वीडियो मैं डेली डालूंगी। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी मैं वीडियो डालूँ उसमें मैं एक भी कट ना लगाऊँ बीच में, मतलब जहाँ पर मेरी गलती हो रही है मैं होने दूँ, और क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और शायद बहुत कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें हो गई हैं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो मुझे बोलना है और मैं डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँगी। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 7:48 हो रहा होगा अभी अराउंड, 7:48 अभी हो रहा है और आज है सैटरडे, आज डेट है अगस्त 7। तो रोज आएंगी अब मेरी वीडियो, तो अगस्त 7 की जो वीडियो है मेरी अगस्त 7 को ही आ जाएगी। तो आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आज ही की ये वीडियो भी होगी, तो आज मैं इस वीडियो को बिना एडिट करे डालने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। आई होप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा ही मिले। और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, फिलहाल मेरे मन में इतना ही आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे डेली जो जो मेरे मन में आते रहेगा, जो जो मुझे बातें मैं सोच रही होंगी या जो जो मुझे कहना होगा, अपनी जो भी मेरे थॉट्स होंगे वो मैं कैमरे के सामने रखने वाली हूँ। तो टाइम लिमिट मैंने अपनी 2 मिनट दी हुई थी, लेकिन अभी टाइम लिमिट 4 मिनट की हो गई है, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट मैंने टाइम लिमिट दी थी, मैं 5 मिनट की लिमिट रखती हूँ। एंड 5 मिनट अगर मैं अच्छे से बोल पाऊँ तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं बिना कोई रुकावट के या बिना कोई बीच में कोई गलती किए अगर मैं बोल पाती हूँ, एक फ्लुएंट अच्छे से बोल पाती हूँ, तो अपने व्यूज़ जो ओपिनियंस हैं उसको शेयर कर पाती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि हाँ ये जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट था, जो भी मैंने ट्राई की थी अपने साथ ये प्रैक्टिस करना, वो सक्सेसफुल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।